नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अचानक से बाजार में एक शार्प करेक्शन आते हुए दिख रही है। अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं दिखेगा, स्पेशली निफ्टी में। आप मेरे को ही बेवकूफ बोल दोगे, आपको कि क्या यार भाई 15 पॉइंट तो नीचे है को निफ्टी। लेकिन बीते 3 ट्रेडिंग सेशन का एवरेज मूवमेंट 30 पॉइंट का है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन का एवरेज मूवमेंट जो स्क्रीन पे हो रहा है ना, वो 35 पॉइंट मैक्सिमम है। और ऊपर से जस्ट अभी निफ्टी 50 पॉइंट शार्प फॉल दिखा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप बैंक निफ्टी की तरफ नजर डाल के देखिए, और बैंक निफ्टी ही कल्प्रिट है आज की गिरावट का। बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आई है, 300 पॉइंट्स तो नीचे दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी करंटली, लगभग ऑलमोस्ट 0.6% के समथिंग, बैंक 7% के समथिंग नीचे है। और अगर आप इसको काउंट करें डेज हाई से, तो एग्जैक्टली 300 पॉइंट ही है। और 300 पॉइंट मतलब जहां खुला वही हाई था, और उसके बाद कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। ये मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, 43,500 का लेवल ब्रेक हुआ है, और उसके बाद डायरेक्ट 43,383 पे आके खड़ा हो गया, यानी 100 पॉइंट तो डायरेक्ट खा गया बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और ये जितनी देर नीचे ट्रेड कर रहा है ना, उतनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद लगा सकते हैं आप। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो अगर आपका व्यू पॉजिटिव है मार्केट पे कॉल के ऊपर, तो आपको निफ्टी में फोकस करना है। और अगर आप पी कॉल की जगह पी पुट देख रहे हो, तो भैया आपको बैंक निफ्टी पे फोकस करना है। अब ऐसा क्यों, मैं निफ्टी को ओपन करूंगा और कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखूंगा, तो तेजी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, टाइटन है, बीपीसीएल है, और एलएनटी है, लार्सन एंड टोब्रो, बाकी कुछ नहीं है। और गिरावट पता है कहां से आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड, एमएनएम, टॉप 5 में 4 बैंकिंग काउंटर्स हैं। और ये वो काउंटर्स हैं जिनका वेटेज दबा के बढ़िया है। और आप बैंक निफ्टी को देखो तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर लाल है, केवल एक एक्सिस बैंक है जो हरे में है। तो प्रेशर तो डायरेक्टली दिख गया कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना है, समझ में क्लियरली आ गया होगा, बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि कुछ ना करें, क्योंकि लेवल ऐसे हैं कि यहां से यार उछाल आ गया तो आपका स्टॉप लॉस जरूर खा जाएगा, वापस नीचे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है जी। और निफ्टी की बात करें तो ये वही सपोर्ट लेवल है जो कल पूरे दिन काम करता रहा था, यहीं से बार बार ऊपर आ रहा था 800 और फिर नीचे आ रहा था। तो यहां शॉर्ट करने की हिम्मत तो मेरे को नहीं लगता किसी में होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। बाकी लॉन्ग करने के लिए मूड माहौल और नेगेटिविटी इस समय सही नहीं दिख रही है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो जो पहले पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया है। पहले लगभग 1000+ शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी पे, अभी केवल 854 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1145 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। तो एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स में डिक्लाइनिंग शेयर्स ज्यादा है इस समय। प्लस अगर आप इंडेक्स देखोगे तो फार्मा, आईटी, एनर्जी ये तेजी में है, और गिरावट रियलिटी स्पेस ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन हो गई, वो स्पेस है जो कंटिन्यू हाईर हाइज लगा रहा है, लाइफ हाई पे लगा ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स, ये वो पीएसयू बैंक है जो कंटिन्यू तेजी में है। मेटल इंडेक्स, निफ्टी बैंक, फाइनेंस सर्विसेज, तो ये सब कुछ लाल निशान में आए। तो मार्केट में आज थोड़ा हैवी प्रेशर है। अच्छा, वही चीज एक बार फिर दिमाग में आती है भैया कि हम मंथली जो हमारी एक्सपायरी होती है उसके आसपास टूटना शुरू हो जाते हैं। बीते 2 महीने का 3 महीने का ट्रेंड तो यही कह रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये नवंबर है, क्या एक बार फिर रिपीट टेलीकास्ट आएगा? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट अक्टूबर एक्सपायरी में तो 1000 पॉइंट टूटा था, उससे पहले वाले में लगभग 600 पॉइंट टूटे थे, उससे पहले वाले में भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के करीब टूटे थे। और हर बार क्या होता है कि हम लोग टूटने के बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से गिरना होता है, यानी नीचे 19,000 और ऊपर 19,800-900। इस बार भी 19,800 आ गए, 875 का हाई लगाया है 2-3 दिन पहले हमने, वहां से गिरावट आई है, अभी 760 पे आ चुके हैं। क्या ये दोबारा 19,500-400 की तरफ जा रहा है? ये कुछ है नहीं, अभी कन्विक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, बट दिमाग में जरूर एक थॉट आता है। तो अभी ट्रेड ना करना सबसे बेटर होगा मेरे हिसाब से, कुछ भी ना करना, कोई मूवमेंट आ भी नहीं रही है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ कल भी कुछ शेयर नहीं करा था, आज भी कुछ शेयर नहीं करा है, पर्सनली मैंने जरूर कराया और लॉस किया है। तो वो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करके, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। आपका व्यू पॉजिटिव है तो वो पहले नीचे जाएगा, आपका एसएल काटेगा फिर ऊपर जाएगा। आपका व्यू नेगेटिव है तो वो वहीं ट्रेड करेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो बहुत मुश्किल ट्रेड हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा साइड में बैठे। बैंक निफ्टी नेगेटिव है, एक बार फिर ब्रेक डाउन दे दिया, अभी 350 पॉइंट नीचे हो गया है,
तो यही एक फ्रेश अपडेट बनते हुए दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइज़।